हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब घर पर ठीक होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि ढोकले की है। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही हल्का नाश्ता है, इसे घर पे बन सकता है। जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से हम अब आज ढोकला बनाएंगे। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम दही लेंगे और सूजी लेंगे। जितनी हमने दही ली है उतनी हमने सूजी ली है। मेजरमेंट के हिसाब से हमने 2 कप दही ली है और 2 कप ही सूजी ली है। सबसे पहले हम इसको मिक्स करके आपको बैटर बना दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले हम एक बाउल में सारी सूजी डाल लेंगे। सूजी डालने के बाद जो हमने दही ली है उसको हम धीरे धीरे करके इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब हमारी जो बच गई है दही वो भी हम इसके अंदर सारी अच्छे से डाल देंगे। देखिए ये हमारा अच्छे से बैटर बन गया है। देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। तकरीबन हम आधा पौना घंटा ढककर रख देंगे। उसके बाद में आपको हमने कैसे बनाना है। छोड़े हुए आधा घंटा हो गया है। अब देखिए हमारी एक बैटर अच्छा सा बन गया है। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे। इसमें आधी 1/4 चम्मच, 1/4 होगा इसमें हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। अब हम अपने बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से मिलाएं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए अच्छे से हमने नमक मिर्च जो अपना था वो मिला लिया है। अब हम एक तरफ से हम अपना ये जो हमारा सांचा है जिसमें हम बेक करेंगे इसको, इसको हम अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। देखिए अब हमने सांचे में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर हम अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम निकालें तो ये आसानी से अपने आप बाहर आ जाए। अब हम अपने बैटर में 1 इनो का पाउच डालेंगे। इनो आपके घर में कोई भी हो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर में इनो नहीं है तो आप आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए अब इसको जब इनो डालें, एक बात का ध्यान रखें, जब आप इनो डालें उसको ज्यादा हिलाएं नहीं, सिर्फ एक बार ही टर्न, इसको अच्छे से एक तरफ ही टर्न करें। देखिए टर्न करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं बिना ओवन के आपको ये ढोकला बनाना बता रही हूँ। देखिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में बॉईल करना रख दिया था एक तरफ। जब तक हमारा बैटर तैयार हो रहा था मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा। इसमें हमने ये रिंग्स डाला है जिसके ऊपर हम अपना सांचा रखेंगे। अभी अच्छे से एक बात का ध्यान रखिए, पानी को बॉईल होने दें। जब तक पानी बॉईल ना हो तब तक आप अपना सांचा इसके अंदर मत रखिए। अगर आपके पास ये रिंग ना हो, अदरवाइज कुछ भी चीज होती है, जैसे ये वाली कटोरी हमारे घर में अवेलेबल होती है, छोटी कटोरी, आप इसको भी नीचे रखकर अच्छे से इसके ऊपर अपना सांचा रख दें और बेक हो जाएगा। देखिए अब हमने अपना बैटर अपने सांचे में डाल दिया है। अब इसको हम ऊपर रख देंगे। ठीक है अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए बनाएंगे और इसको लो फाइव मीडियम पर छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए। ढोकला बन के तैयार हो गया है। अब हम टूथ पिक लेकर इसके अंदर अब ऐसे करके देखिए कि सारा, देखिए बिल्कुल क्लीन आती है, क्लीन आई है हमारी बिल्कुल। तो देखिए इसका मतलब है कि ढोकला हमारा बन के रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं 10-15 मिनट के, ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। अब हम अपने तड़के की तरफ चलते हैं। अब बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 3 बड़े प्याज हमने, जिसको हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। उसके बाद हमने 1 बड़ा चम्मच राई ली है। 7-8 हमने पत्ते करी पत्ते के लिए हैं और 1 रिफाइंड ऑयल लिया है हमने तड़का लगाने के लिए। अब हम गार्निश के लिए सेब लेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया लेंगे और हमारी टमाटो सॉस लेंगे। अब तड़का लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है, फ्राई पैन अपना। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा गर्म होता है हमारा रिफाइंड ऑयल, तो हम इसके बाद सबसे पहले हम डालेंगे राई। अब
सबसे पहले डालेंगे राई। अब हम राई को अच्छे से सोटे होने देंगे। देखिए राई के बाद हम डालेंगे इसमें करी लीव। करी लीव के तुरंत बाद ही हम इसमें अपने जो कटे हुए हमारे प्याज है वो डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अच्छे से इसको सोटे कर लें। ज्यादा हमने इसको नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हमें इसको पेस्ट बनाने के लिए करते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज को ज्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा इसको करना है सोटे तेल में, ताकि जब हम इसको खाएं तो हमारा क्रंची टेस्ट नहीं आए। नमक डाल दिए हमने ढोकले में डाला था पहले, लेकिन हम हल्का सा डालेंगे ताकि हमें तब ना लगे। अगर आपको जरूरत लगे तो आप डालें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। देखिए हमारा प्याज हो गया है, बस इतनी तेज तक हमें इसको भूनना है, ज्यादा ना भूने। थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, हो गया है। अब इस स्टेज पे हम अपना गैस बंद कर देंगे। ढोकला बनके रेडी हो गया है, अब हम इसमें गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो हमने प्याज भून कर रखा है इसको हम ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें सॉस डालेंगे हमारी। सॉस अगर आपको अच्छी लगे तो आप डालें, जैसे बच्चों का टेस्ट आता है, हमारे बच्चे तो बहुत खुश होके खाते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो इस स्टेज पर आप डालें सॉस। इसके बाद हम इसमें ये डालेंगे सेव हमारी। सेव भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो डालें। उसके बाद हम ऊपर इसके हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हमारा बना है ढोकला, कितना स्पॉन्जी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। अगर आप घर में बनाएंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका ढोकला कैसे बना है।